हेलो बच्चों, शिव साठ एंड क्लासेज में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे, आज आपको इंग्लिश स्टेनोग्राफी ग्रामोलॉक्स की प्रैक्टिस सिखाएंगे। अभी तक हमने जितना आपको पढ़ाया 38 एक्सरसाइज तक हम करा चुके हैं। अभी तक आपकी क्लास 38 तक हो चुकी है, तो उसमें सारे ग्रामोलॉक्स और एक्सरसाइज सब हम कराते एक तरफ से सारी क्लास में आते हैं। अब आपको यहाँ तक कराने के बाद जैसे एक यूनिट, ये दो तीन यूनिट खत्म हो गई, अब इसमें आगे बढ़ने के पहले एक बार हमें सारे ग्रामोलॉक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रैक्टिस इस तरह करेंगे, अगर आपने शुरू से किया होगा आज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जैसे हम लिखें वैसे आपकी कॉपी में बनता जाए। तो हर ग्रामोलॉक्स में हम एक एक दो दो सेकेंड, यानी दो सेकेंड कम से कम देंगे, किसी में 5 सेकेंड देंगे, जो बड़ा होगा थोड़ा कठिन होगा उसमें हम 5 सेकंड रुकेंगे। और हमारे रुकने का मतलब आप नहीं रुकेंगे, आप आगे बनाते रहें। जैसे हमने लिखा ऑफ टू, तो हम रुक गए, तो आपको ऑफ टू बनाते जाना है। इस एकदम मन में इसको बैठा लीजिए, यानी आपको सुनते ही, अगर सुनते ही आ गया तब तो बनना शुरू हो जाए, अगर नहीं मान लीजिए आया तो आप देख सकते हैं, एक बार देखें लेकिन बनाएं। और लेकिन हम तो यही कहेंगे आप इतनी बार पीछे का प्रैक्टिस करते रहिए कि ग्रामोलॉक सुन के ही बने, तो सुन के ही बनाएंगे। और किताब आप अपनी चाहे तो खोल लें सामने, अगर आपका जिनको भी कंठस्थ है अच्छे से पूरा तैयार है उनको किताब खोलने का आवश्यकता नहीं है, हम लिखते जाएंगे आप लिखते जाएंगे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। और जिनको कम अच्छे से तैयारी है जिनकी, वो अपनी किताब चाहे तो खोल सकते हैं। तो अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, ना ही हम अंग्रेजी कहीं लिखेंगे इंग्लिश, आपको सिर्फ यहाँ पे हम आउटलाइन यानी अपना ग्रामोलॉक्स चिन्ह बनाएंगे, आपको सुनते ही बनाना शुरू कर देना है। अब शुरू करते हैं एकदम शुरू से, आप चाहे तो किताब खोलते रहेंगे। ए एन दा, आपका बनता जाए हम रुके हैं, जिसका मतलब आपको बनाने का टाइम दिया, एक लाइन दो लाइन जितना कम, सॉरी ज्यादा ज्यादा, कम से कम नहीं, जितना ज्यादा ज्यादा बना सके बनाते रहेंगे। ऑफ टू, ऑल टू टू, ऑन बट, ओ ही, एंड शुड, आट आउट हु, ये अप है और ये डाउन है, ये लाइट है ये डार्क है, आगे देखेंगे पुट, इसी को डार्क करेंगे बाई बी टू बी, इट बनता जाए, इट 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 बनता जाए, रुके इसीलिए आपको समय दिया आपको बनाने के लिए। डार कर देंगे हाइड, डू, डिफरेंस, डिफरेंट, मच, विच, ईच, अब आएंगे डिफोंस में, डाइफोंस में आएंगे आई, हाउ, वाई, लार्ज, जे है डार्क है, यू शेप में बियॉन्ड यू, सी को ऐसे कर दिया विद, वेन, इसी को ऐसे कर दिया व्हाट, वुड, कैन,
के को फर्स्ट लेफ्ट कैन सेकंड पे कम। और ये जी डार्क हो गया, गो गिव गिवेन। ये एफ है फार, ये बी हैव, ये एफ थर्ड प्लेस इफ है, फार हैव इफ। थैंक थिंक, ये था है लाइट, और डार्क कर दिया तो दो देम। यही डार्क है, जेड है वाज हुज। एस एच है सेकेंड पे सेल, थर्ड पे विश। अब इनका यूज करते हुए फ्रेज, यानी फ्रेज मतलब इन सभी को जोड़ जोड़ के बनाना है, यानी जो फ्रेज आपका है वहां से देखेंगे। आई थैंक यू। नंबरिंग हमारी इधर सुधर हो सकती है, आपको बना कहीं कुछ अकाश छोड़ गया हो तो बाद में आप अपना देख के कवर कर लेंगे। आई थिंक यू शुड बी। आई हैव द। आई हैव हैड। आई सा द। आई सी। यू शुड। यू शुड बी। आई एम। आई मे बी। यू विल। यू विल बी। यू मे बी। यू कैन। इफ यू वर। समझाएंगे कोई नहीं, क्योंकि बता चुके हैं आज, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। दे वर। व्हाई डू यू।
वाई हैव यू, व्हाट डू यू, हाउ कैन दे। नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, बस आपको आउटलाइन पहचान के बनाना है। व्हाट कैन बी, व्हाट वाज, इट वाज, इट वर, विद यू, ये व्हेन दे, इसको एक साथ ऐसे करें जैसे मैं लिख रहा हूं, विद मच, विद विच, विद ईच, विद मच, विद विच, विद ईच, इट विल, इट विल बी, ही विल बी, he should be, if he का साइन लगा दिया, if he were, so much, यहां पे मां चा पूरा लिखा है, too much, बनाते जाएंगे, कुछ छूटा हुआ है सोच रहे हैं, अगर कुछ छूटा हुआ है, अगर नहीं समझ में आया हमें तो आप दोबारा जो छूटा हुआ आप कर लेंगे, हो सकता है रात कोई छूट गया हो, किताब से देख के आप प्रैक्टिस कर डालेंगे। अब आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे एसटीएसडी में आएंगे, नहीं सॉरी सर्किल में आएंगे, पहले सर्किल वाले में आएंगे, फटाफट ध्यान रखिए। यूजुअल, यूजली, एज, हैज, इज, हिज, बिकाज, बनता जाए बिकाज, 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 इटसेल्फ, समय आपको इसीलिए दे रहे हैं, आप कई बार बनाते रहेंगे, जब तक अगला ना लिखे तब तक आपका बनता रहे,
दो दाई सेल्फ दिस दस आगे बढ़ेंगे मी हिम माई सेल्फ हिम सेल्फ बनता जाए स्पीड से स्पेशल स्पेशली स्पीक सब्जेक्ट सब्जेक्टेड सेब्रल अब अगले चैप्टर में बढ़ेंगे एसटीएसडी वाले में स्वा वाले में पहले तो स्वा और एस एस डबल एस का साउंड वाले में इन एनी ऑन Are your ear? Are on our spelling ध्यान रखेंगे ourselves. themselves अब देखेंगे सौ वाले सर्किल को एच बी भी कहते हैं इसी के बैक पेज में होगा एच बी कैन एच बी हैव एल में लग जाता तो एज बेल हो जाता एज बेल एज इन दिस सिटी ये सब हम आपको वीडियो में जब एक्सरसाइज कराए हैं उसमें सब कुछ अच्छे समझाया हुआ है आज सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है सिर्फ प्रैक्टिस आगे आएंगे एस टी एस डी वाले में एस टी आर वाला लूप है ये फर्स्ट इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस्ड और ये नेक्स्ट लॉर्ड मोस्ट वी Language going thing young इस तरह से इतने ही ग्रामर लॉक्स थे अभी तक हमने जो शुरू से लेकर के पढ़ाया आपको इतने ही ग्रामर लॉक्स थे हो सकता कहीं कुछ छूटा हुआ हो आप एक बार तुरंत पहले इसको करिएगा फिर बुक से ध्यान से एक तरफ से बनाते जाइएगा तरीका हमेशा यही याद रखिए जब भी एक यूनिट जिसे ख़त्म फटाफट लगाया 15-20 मिनट में वीडियो चाहे तो 25% बढ़ा लिए अगर लगता हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं नहीं लगता है तो लगने का मतलब जैसे हमने आपको लिखा बाई बी टू बी रुके हैं तो आपको फटाफट फटाफट स्पीड से
बनाते जाना है। ये नहीं हमने एक बार लिखा तो आप एक बार लिखेंगे, ऐसा नहीं। हर सेकंड दो दो सेकंड, चार चार सेकंड, पांच पांच सेकंड, दस दस सेकंड रुके हैं, इसलिए रुके हैं आपका वहाँ पे बनता जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बार बने। जो थोड़ा सा कठिन लगा उसमें हमने ज़्यादा समय दिया है, यानी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ लिखना है, लिखना है मन में बोल बोल के, कहीं अंग्रेजी नहीं लिखना है आपको कतई किसी कीमत पर। अगर आपको जल्दी से जल्दी सफलता पानी है, सफल होना है, तो आप हमारी बात को मानते चलिएगा। आपको कहीं कुछ छूटे नहीं, वहीं घर बैठे ही नौकरी आपको दिलाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।